कन्हैया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदय नदी को मुख्यमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ ये आपका भला कर सकते हैं भाई? जरा जोर से बोलो भाई, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है, या जो देश के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है? ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। मित्रों, अब घर जैसा होगा ऐसा संस्कार घर के हर लोगों में। ये राजस्थान में गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर एक पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और बात वहां तक पहुंच गई, एक संत ने अपना आत्मविलोपन करना पड़ा, फिर भी भरतपुर में अवैध खनन फिर से चालू हो गया है। उदय सागर झील के नाम से 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, प्रतापगढ़ में 1000 करोड़ रुपए के लाइमस्टोन खान का भ्रष्टाचार, सचिवालय में अफसरों की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना निकलता है। गहलोत जी जरा बताइए सोना किसका है भाई? हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? पीछे वाले बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? आपके पास मौका है अभी। सचिवालय के अंदर ये 2 करोड़ रुपया किसका है उसका हिसाब दीजिए। काली सिंह बांध के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ रुपया चाऊ कर गए, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया चाऊ कर गए। शर्म करो, शर्म करो, गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं होता है गहलोत जी। ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। और अशोक गहलोत जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए हैं। मित्रों, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करना था, मुझे बताओ हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है? युवाओं को बेकारी भत्ता मिला है? उल्टा 19,000 किसानों की भूमि कुर्क करने का काम ये सरकार ने किया है। मित्रों, 19 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बेरोजगारी और बलात्कार में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है, और उनके ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे टॉपर कर जाते हैं, जनता बिचारी रह जाती है। मित्रों, एक दूसरी बात है, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी, सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने? अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे,
एनआईए ने पकड़ा और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार सीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं 22 दिसंबर 2022 को चार सीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों लटका चुके, इनको शर्म आनी चाहिए, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने PI-5 पर बैन लगाया, गहलोत जी के राज में कोटा में PA-5 की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया, भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। मोदी जी के शासन में जब वसुंधरा जी थी तब भी यहां आतंकवाद पर लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 3D से घिरी हुई सरकार है। 3D का मतलब है दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। ये 3D से घिरी हुई अशोक गहलोत सरकार को हमने उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों ये दंगा राज यहां पर हो चुका है। मैं आज आपको इतना ही कहना आया हूं मित्रों, आपके पास 2 मौके, एक आपको केंद्र सरकार भी चुननी है 24 में, एक राज्य सरकार भी चुननी, मगर एक वोट देने से दोनों काम होते हैं, तो राजस्थान वालों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, एक ही वोट देने से 2 काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ट्रेलर पहले है, 23 में है, 23 के ट्रेलर में अशोक गहलोत सरकार को मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तो 24 में अपने आप 25 सीटों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर बोलो, चाहते हो? फिर से 25 सीट तीसरी बार राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालेंगे? ये भ्रष्ट नकारा अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे? यह पूर्ण बहुमत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? कमल के निशान पर वोट देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।